बेगमबाद में कांग्रेस के जिलाध्यक्ष धनंजय सिंह ने कहा कि पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के झारखंड की धरती पर आगमन को लेकर कांग्रेस जनों में भारी उत्साह का माहौल है। कांग्रेस भवन बेगमबाद में बुधवार की शाम को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिलाध्यक्ष ने मीडिया कर्मियों से बातचीत। इन्होंने कहा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा न्याय का हक मिलने तक कार्यक्रम के तहत 2 फरवरी को राहुल गांधी का पाकुड़ में पदार्पण होना सुनिश्चित हुआ। भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने एवं उनके स्वागत के लिए गिरिडीह जिला से बड़ी तादाद में कार्यकर्ता पाकुड़ पहुंचेंगे और न्याय यात्रा में कार्यकर्ता अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। कहा कि मणिपुर में 14 जनवरी से भारत जोड़ो न्याय यात्रा का शुभारंभ किया गया है। झारखंड में पाकुड़ के बाद 3 फरवरी को राहुल गांधी देवघर के बाबा बैद्यनाथ में दर्शन पूजन के बाद रोड शो कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। देवघर के बाद वे धनबाद पहुंचेंगे। राहुल गांधी का 8 दिनों तक झारखंड में प्रवास होगा और 804 किलोमीटर यानी कि 13 जिला का दौरा करेंगे। महाराष्ट्र में 20 मार्च को इस कार्यक्रम का समापन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय के निकाली गई इस यात्रा की सफलता और झारखंड आगमन पर उनके स्वागत के लिए कार्यकर्ता प्रखंड से लेकर गांव स्तर पर इसका व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा है। मौके पर मोहम्मद जैनुल अंसारी, मोहम्मद नैशाब अहमद, मिनसर हुसैन, मधुमिया, राजीव रंजन सहित कई अन्य लोग उपस्थित थे।